नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह को फोन पर धमकी देने और रंगदारी मांगने के मामले में दानापुर थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। साथ ही पुलिस ने इस मामले में फोन करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि रंगदारी मामले में युवक की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, केवल पूछताछ की जा रही है। तो भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को फोन करने वाले की पहचान भोजपुर जिले के कतिरा निवासी कुंदन कुमार सिंह के रूप में हुई है। बुधवार को पुलिस ने कुंदन को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान कुंदन के मुंह से शराब की गंध आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कुंदन को शराब मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अक्षरा सिंह को कॉल करने के मामले में पुलिस ने जिस युवक को गिरफ्तार किया है वो स्वर्गीय परमेश्वर मुखिया का पोता है। पुलिस के अनुसार कुंदन के खिलाफ पूर्व में भी दो मामले दर्ज हैं। फिलहाल रंगदारी मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जांच में भी रंगदारी मांगने का साक्ष्य नहीं मिला है। SDPO दानापुर वन भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि जिस नंबर से कॉल आया था वो कुंदन कुमार सिंह पुत्र सत्येंद्र कुमार सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है। जांच में पता चला कि इनके द्वारा कॉल किया गया है, लेकिन रंगदारी की मांग किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इस मामले में उन्हें डिटेन किया गया है। फिलहाल उन्हें शराब पीने के मामले में पकड़ा गया है। आगे की पूछताछ के बाद ही और ज्यादा जानकारी सामने आ सकेगी। अभिनेत्री अक्षरा सिंह द्वारा दानापुर थाना के अंतर्गत एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनसे रंगदारी मांगी गई है एक अज्ञात कॉल के द्वारा। साथ ही साथ उन्हें डराया धमकाया गया है कॉल के माध्यम से। तो उसको लेकर दानापुर थाना के द्वारा 1123/24 एक FIR तुरंत 13/11/2024 को दर्ज की गई। और FIR दर्ज करने के पश्चात पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया और जिस नंबर से उन्हें एक कॉल आया था उस कॉल करने वाले व्यक्ति को जब खोजा गया तो उसका नाम पता चला कि वो कुंदन कुमार सिंह सन ऑफ सत्येंद्र कुमार सिंह है, जो खोपीरा थाना पौना जिला भोजपुर आरा का रहने वाला है। उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो पूछताछ के क्रम में पुलिस को पता चला कि इस व्यक्ति पर पूर्व में भी दो मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमा खगोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसकी संख्या 215/19 है, जो दिनांक 13/8/2019 को दर्ज हुआ था। इस केस के अंतर्गत ये अभियुक्त शराब पीकर जेल गया था। साथ ही साथ दूसरा केस 617/23 है, जो नवादा थाना जिला भोजपुर आरा में दर्ज किया गया था। इस केस में वो आम सेक्ट में जेल जा चुके हैं पूर्व में। और अभी जब इनको पुलिस ने डिटेन किया तो उनके मुंह से शराब जैसी बदबू आ रही थी, तो ब्रीथ एनालाइजर की मदद से इनका टेस्ट किया गया तो उसमें शराब पीने की पुष्टि भी हुई है। तो इसको लेकर भी प्रोविजन एक्ट के तहत और नवीन एक FIR की जा रही है। अभी जो हमारी जांच हुई है उसका जो जिस निष्कर्ष पर पुलिस पहुंची है उसका यही है कि नंबर एक तो जो कॉल किया गया है तो उसमें रंगदारी की मांग, पुलिस के सामने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है उसमें कि उनसे रंगदारी की मांग की गई हो। साथ ही साथ ये इस बात की पुष्टि हुई है कि इनके द्वारा कॉल किया गया है। और अभी चूंकि इन्हें डिटेन कर लिया गया है और इनकी अरेस्टिंग भी हो रही है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि अभिनेत्री अक्षरा सिंह द्वारा मंगलवार को दानापुर थाने में आवेदन देकर 11 नवंबर की देर रात करीब 12:20 व 12:21 पर दो अलग अलग मोबाइल नंबर से कॉल कर गाली गलौज, 50 लाख रुपए रंगदारी और रंगदारी नहीं देने पर धमकी देने की शिकायत की गई थी। गौरतलब है कि अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सत्यमेव जयते फिल्म से की थी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में की है। फिल्मों के साथ ही वो अपनी गायकी के लिए भी काफ़ी फेमस हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।